दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको डी डी फ्रीडिस सेटअप बॉक्स से अगर कमज़ोर सिग्नल का जो प्रॉब्लम है अगर आपके टीवी पर देखने को मिलता है तो आज दोस्तों मैं आपको इस समस्या को सही करके लाइव दिखाने वाला हूं। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। मैंने टीवी को चालू किया हुआ है और मेरे सामने यह डीडी फ्रीडिस का फ्री वाला सस्ता वाला सेटअप बॉक्स है जो कि अधिकतर 90% लोग यूज करते हैं और इस पर जो प्रॉब्लम है सिग्नल का वह देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपके पास भी इस प्रकार का डीटीएस सेटअप बॉक्स है जिस पर इस प्रकार का जो पावर सप्लाई है यूज किया गया है आप नज़दीक से देख लीजिए तो यह जो प्रॉब्लम है सिग्नल का अक्सर इस पावर सप्लाई के कारण ही देखने को आपको मिलेगा। आप अगर घर बैठे ठीक करना चाहते हैं सिग्नल का प्रॉब्लम तो दोस्तों आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके डीटीएच रिसीवर के अंदर इस प्रकार का पावर सप्लाई लगा हुआ है तब दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ आप उसे यूज मत करिएगा। अगर आपके डीटीएच रिसीवर के अंदर इस प्रकार का जो पावर सप्लाई है आप देख लीजिए अगर लगा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसका यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को घर बैठे सही कर सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा। मैं सेटअप बॉक्स को चालू करता हूँ। मैंने इसे ऑन कर दिया है। टीवी भी चालू हो चुका है। अब दोस्तों मैं सिग्नल का बटन प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पिक्चर फंस फंस कर चल भी रहा है, बीच बीच में लाइनिंग आ रहा है और ये जो प्रॉब्लम है आपको अक्सर देखने को मिलता है। आपका डिश सही रहता है फिर भी आपको ऐसा जो समस्या है देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब आपका सेटअप बॉक्स धीरे धीरे गर्म होगा तो आपका जो सिग्नल है यह भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो सिग्नल है पहले 12 था 13 था अब 22 23 धीरे धीरे इसका जो सिग्नल है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यह सेटअप बॉक्स गर्म होगा हमारा जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सही होता जाएगा और या फिर कभी कभी हमारा जो प्रॉब्लम है सही नहीं होता है। इस प्रकार से पिक्चर हमारा फंसता रहता है, डिश हमारा सही रहता है फिर भी। अब दोस्तों मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा और आपको इस सिग्नल प्रॉब्लम को इस सेटअप बॉक्स से सही करने का एक सिंपल सा आसान तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं सेटअप बॉक्स को यहां से बंद कर दूंगा। मैंने इसे बंद कर दिया, टीवी हमारा चालू है। अब दोस्तों आपको क्या करना है तो हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई से यह जो केबल गया हुआ है आपको दोस्तों क्या करना है, यह जो आपका इधर से ये राइट साइड वाला जो आपका सबसे किनारे वाला वायर है आपको इस वायर को बीच से कट करना पड़ेगा। तो हम इस वायर को यहाँ से इस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि आपको किस वायर को आपको बीच से कट करना है। राइट साइड में जो सबसे किनारे वाला वायर है आपको इसी वायर को आपको दोस्तों कट करना है। आपके पास कैंची है कुछ भी है तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इस वायर को ही आपको यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ से वायर जुड़ा हुआ है आपको यहाँ से इसे इस प्रकार से काट देना है। इसे दोस्तों काटने के बाद आपको क्या करना है आप देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट वाला किनारे वाला वायर हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसे आपको इस प्रकार से छील लेना है और अब दोस्तों आपका जो घरों में बिजली वाला पतला वाला वायर यूज होता है आपको करीब एक हाथ का वायर आपको इस प्रकार से लेना है। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने वायर कट किया हुआ है उसके साथ में आपको इसे जोड़ देना है इस प्रकार से। आप दोस्तों इस प्रॉब्लम को घर बैठे सही कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको इस वायर को कैसे जोड़ना है। ये हमारा एक हाथ का वायर है
अब दोस्तों आप यहाँ टेप वगैरह लगा देंगे, मैं दोस्तों अभी टेप नहीं लगा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको इसे इस प्रकार से फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने से फ़ायदा क्या होगा कि यह जो डीसी वोल्ट है इसका जो एम्पियर है वोल्टेज है थोड़ा सा दोस्तों डाउन हो जाएगा, जिससे कि हमारा कार्ड भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको इस प्रकार से इसे फोल्डिंग कर देना है इस प्रकार से। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जोड़ में यहाँ टेप वगैरह लगा देना है, याद रखिएगा, ताकि यहाँ शॉर्ट वगैरह ना हो। अब आपको इस वायर को कहाँ लगाना है, तो दोस्तों यहाँ पावर सप्लाई में नज़दीक से आप देखिए, यहाँ इस बड़े वाले कैपेसिटर के जस्ट सामने एक डायोड लगा हुआ है। तो आप दोस्तों इसे इस प्रकार से वायर को छील लीजिए, और इसके जस्ट पीछे एक साइड आपका आगे लाइन लगा हुआ है, सफ़ेद लाइन, आपको इसे यहाँ नहीं लगाना है, आपको जस्ट इसके पीछे इसे इस प्रकार से लगा देना है। आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं होगा तभी दोस्तों आप इस प्रकार से इसे लगा देंगे। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तब और अच्छा है, आप इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे तो आपको इस प्रकार से अच्छे से टाइट करके आपको लगा देना है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस डायोड के पीछे इसे लगा दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस टाइप का पावर सप्लाई आपके डीटी सेटअप बॉक्स पर लगा हुआ है तभी आप इस ट्रिक का यूज करिएगा। और आप दोस्तों जहाँ भी जोड़ करेंगे वहाँ टेप वगैरह लगा दीजिएगा। मैं फिलहाल भी टेप मैंने नहीं लगाया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको इस सेटअप बॉक्स को ऑन करके दिखाता हूँ, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया हुआ है। अब मैं दोस्तों सेटअप बॉक्स को ऑन करता हूँ, सेटअप बॉक्स हमारा चालू हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको सिग्नल भी दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिग्नल पहले कितना आ रहा था, 22, 23, 20, 24 ऐसे आ रहा था, और पिक्चर भी कट के चल रहा था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पिक्चर भी हमारा बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, पिक्चर हमारा एकदम सही है, और हमारा जो सिग्नल क्वालिटी है वह दोस्तों बिल्कुल फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं 44-45% में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वह सेटअप बॉक्स है जिस पर हमने घर बैठे एक जुगाड़ किया हुआ है, जिससे हमारा सेटअप बॉक्स सही हो चुका है, जो सिग्नल का प्रॉब्लम है वह सही हो चुका है। दोस्तों मैं आपको दोबारा से भी इसे बंद करके और आपको चालू करके दिखा देता हूँ। अगर आपके सेटअप बॉक्स पर भी ऐसा समस्या है और सेम पावर सप्लाई लगा हुआ है तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इस प्रकार से इस समस्या को घर बैठे सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जो जानकारी है अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नमस्कार।